यहाँ पे टमाटर है 20 रेवन के, 12 रेवन के, खीरा है 10 रेवन के। गाइस आज हम लोग आए हैं लोकल मार्केट में इवानो फ्रैंकिप्स के। यहाँ पे मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मिलते हैं वो उसका प्राइस क्या होता है। तो यही है गाइस यहाँ का लोकल मार्केट, देख लो, बिल्कुल इंडिया जैसा फील आ रहा होगा आपको। हर वेजिटेबल, हर फ्रूट अवेलेबल है, आज फ्रूट्स भी अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल इंडिया जैसा लग रहा है मुझे तो यहाँ आके। हेलो, आपको सब सब्जियाँ भी सब मिल जाएगा, सब फल यहाँ। यदि आप चाहते हो कि आप सिर्फ कुक करो तो यहाँ टमाटर, खीरे, फूलगोभी, बंदा गोभी, आलू, प्याज सब आपको यहाँ अवेलेबल है। तो राहुल, यहाँ से तुम मोस्टली क्या खरीदते हो, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह में मोस्टली क्या क्या लेते हो? तरबूज, खरबूज, खीरा खा लेते हैं सुबह सुबह। अच्छा, हाँ हाँ। केले, अंगूर। और वेजिटेबल्स में अगर कुछ खरीदना है तो जैसे प्याज वगैरह या फिर जो आलू है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये 10-12-15-10 लगभग यही है, प्याज भी 10 है। प्राइस जो है यहाँ पे सारा जो वेजिटेबल्स होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से जो है देख के खरीद सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव है या फिर नहीं। आप लोग खुद देख लो यहाँ पे कितना कम प्राइस है हर चीज़ का। और जो जिनको लगता है कि यूक्रेन में इंडियन सब्जी नहीं मिलती है, तो देख लो भाई सारा कुछ है, शिमला मिर्च से लेके बैंगन और जो भी है कॉलीफ्लावर। अच्छा, हाँ सही है यार, मतलब दिख तो सारा कुछ रहा है, जो भी वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहाँ पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों एक साथ मिल जाएगा। वाटरमेलन है, पीच वगैरह, देखो कितना सारा वेजिटेबल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और सौरभ, अगर कोई चाहता है कि मसाला वो लेके नहीं आया इंडिया से, ठीक है, तो यहाँ मसाले मिल जाते हैं क्या? ये मसाले का दुकान है, मसाला पूरा सब मसाला मिल जाएगा, चिकन वगैरह भी सारा कुछ फ्रेश मिल जाएगा। फाइन फाइन ब्रो। और किधर से जाना है हम लोग को? ओके ओके, इधर से रास्ता नहीं? नहीं नहीं, इधर चलना है, मैच जाना है। हाँ, मैच चलो। पत्ता से लेके शिमला मिर्च, गोभी, आलू, जो भी है, प्याज वगैरह, बैंगन, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इवानो फ्रैंकिप्स में आके आप सेल्फ कुकिंग करना, आपको मेस ज्वाइन नहीं करना है, तो जितना भी वेजिटेबल्स है वो सब यहाँ पे आके खरीद सकते हो। फ्रूट्स भी आप लोग देख ही लिया होगा कि सारा फ्रूट्स भी अवेलेबल है, तरबूज से लेके एप्पल, सेब, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये एक लोकल मार्केट है यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इवानो फ्रैंकिप्स, और ये जो एटीबी है एक सुपरमार्केट है, इसका ऑलमोस्ट सारे सिटी में ब्रांच होता है। इवानो में भी 3 ब्रांच है और लवी में भी 3-4 ब्रांच है एटीबी का। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि सामान कितना महंगा मिलता है। तो ये है मिल्क, ये 31 ग्रेवन का है, आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। नीचे भी है 29 ग्रेवन, 28 ग्रेवन का, ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना परसेंट ऑफ फैट है। जैसे इसमें 3.2% ऑफ फैट है तो इसका दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये चिकन है यहाँ का, तो चिकन का दाम यहाँ पे 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंग मिलता है। सारा चिकन का आइटम ही है, पहले ही से यहाँ पे मैरिनेट करके रखा हुआ है, सीधा लेके जाओ और फ्राई करके खा लो। गाइस ये यहाँ का आटा है, मतलब यही एक ऐसा पैकेट है जो रियल आटा जैसा लगता है, बाकी ये सारा मैदा है। तो इसका दाम है 31 ग्रेवन,
31.90 मीन्स आप इसको 32 ग्रेवन मान लो और इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेना। फिर ये वाला जो मैदा है ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको मैदा के रूप में। ये सेब है 24 ग्रेवन का, वाटरमेलन मिल रहा है 11.95 ग्रेवन का।